कहना चाहता हूं मैं कहना कह मैं कहना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन कि वी कैन नॉट एड और सब्सट्रैक्ट वी कैन नॉट एड और सबस्ट्रैक्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज कह दो कुछ भी कह दो क्या ही फर्क पड़ता है साइंस में लैंग्वेज का उतना कोई बहुत खेल नहीं रहता इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ठीक है इसका बहुत बड़ा रोल है देखो कुछ विशेष तरह के क्वेश्चन बनते हैं जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं दिया हुआ है कि ई नॉट आपको दिया हुआ है सपोज सी यू प्लस टू इज कन्वर्टेड इंटू सी यू ये एक्स बोल दिया है और ई नॉट बहुत कॉमन क्वेश्चन है सी यू प्लस इज कन्वर्टेड इंटू सी यू ये कितना दिया हुआ है वाई बोल्ट दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है ई नॉट ऑफ सी यू प्लस टू से सी यू प्लस वन में जो कन्वर्जन होगा तो इसका ई नॉट कितना होगा बहुत ध्यान से देखें और क्वेश्चन को पहचानना सीखें पहले मैं इसका ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ देखिए अगर मैं इसको रिएक्शन uh, के फॉर्म में लिखूं, तो आई कैन राइट कॉपर प्लस टू टेक्स टू इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इन टू कॉपर

रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखना यानी वो रिएक्शन लिखो जिससे ये वैल्यू आएगा तो रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा कॉपर प्लस टू टेक्स वन इलेक्ट्रॉन एंड इट इज कन्वर्टेड इन टू कॉपर प्लस वन ठीक है ये हमारा रिक्वायर्ड रिएक्शन है यानी कि

बी को सब्सट्रैक्ट कर दूं क्योंकि मुझे दिख गया कि रिक्वायर्ड इक्वेशन में कॉपर प्लस टू को किधर रखना है लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और कॉपर प्लस वन को राइट हैंड साइड पे देखो क्या हो जाएगा कॉपर प्लस टू और प्लस टू इलेक्ट्रॉन माइनस वन इलेक्ट्रॉन माइनस कॉपर प्लस वन और ये कॉपर से कॉपर उड़ जाएगा प्रोडक्ट की तरफ कुछ नहीं बचेगा इसको क्या लिख सकते हैं कॉपर प्लस टू और टू इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वन इलेक्ट्रॉन बचेगा एंड नाउ वी कैन कन्वर्ट देम फ्रॉम दिस साइड तो ये कितना हो जाएगा सी यू प्लस ये देखो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई यानी कि ये इक्वेशन इनमें से इसको सब्सट्रैक्ट करके बनाया जा सकता है बनाया जा सकता है तो बच्चे को एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है जिससे उसे बचना है उसे लगता है कि अगर ये रिएक्शन इसको इसको सब्सट्रैक्ट करके आ रही है तो इसका जो E नॉट होगा कॉपर प्लस टू टू कॉपर प्लस वन वो क्या हो जाएगा इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो X माइनस वाई हो जाएगा और यही सारा का सारा खेल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन पैदा होता है कि सर क्यों गलत हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों इनॉट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ई नॉट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड वी कैन नॉट एड और सब्सट्रैक्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज विथ ईच अदर तो यहाँ हमने बहुत बड़ा लॉजिकल मिस्टेक किया है हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को आपस में क्या कर दिया घटा दिया तो हमें करना क्या चाहिए करना क्या चाहिए ये मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा सकता हूँ प्यारे बच्चों देखिए आप इन सभी वैल्यूज को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बदल दो देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बदलोगे तो इसका डेल जी नॉट वन क्या हो जाएगा माइनस एन एफ नॉट ऑफ वॉट कॉपर प्लस टू टू कॉपर प्लस कॉपर हो जाएगा तो डेल जी नॉट वन की वैल्यू कितनी आ गई एन कितना है कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में दो मोल इलेक्ट्रॉनों का तो एन की जगह क्या वैल्यू डाल दोगे दो एफ दो और ई e नॉट सेल कितना दिया एक्स बोल्ट हो गया इसके लिए डेल जी टू निकाल दो डेल जी नॉट टू कितना हो जाएगा माइनस एन इज हाउ मच वन एफ And E naught is y bolt. So we can say that now we have converted the extensive property, sorry intensive property into extensive property. yani ab humne diye hue intensive property को extensive में बदल दिया। मैंने E naught की value को convert कर दिया del G में। तो extensive properties को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इसके लिए इस particular reaction का जो del G होगा naught वो किसके बराबर होगा डेल जी नॉट ऑफ वन माइनस डेल जी नॉट ऑफ टू के बराबर होगा तो इसका डेल जी नॉट क्या होगा इस रिएक्शन का लिखो इसका डेल जी वन कितना आया जरा बोलो डेल जी वन आया है जरा देखें डेल जी वन आया है माइनस टू एफ एक्स आया है माइनस टू एफ एक्स और माइनस और इसमें माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस एफ वाई आया है तो हमें इस पूरे की वैल्यू नहीं चाहिए हमें सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए अगर हमें सिर्फ इतने की वैल्यू चाहिए तो हम आगे अपनी बुद्धि लगा देंगे E नॉट सी यू प्लस टू का कन्वर्जन सी यू प्लस वन में हो रहा है ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि टू एफ एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा एफ और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एफ वाई अपॉन में क्या जाएगा एफ एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा टू एक्स माइनस वाई दिस इज द करेक्ट आंसर अब सवाल पैदा होता है कि सर जी इतना लंबा सोचूंगा इतनी देर लगाऊंगा तो तो मेरा सर जे ही हुआ नीट हुआ पेपर ही छूट जाएगा सर मैं केमिस्ट्री ही करता बैठूंगा हाँ केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री ही करते बैठोगे अगर जो है तुम तो प्रॉपर वे में चीजों को नहीं सीखोगे तो एक सब्जेक्ट उठाओगे उसी में अटके रहोगे ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि जब चीजों के मेथड दिमाग में बिल्कुल याद हो जाए समझ में आना नॉट अ बिग डील अच्छा टीचर पढ़ाएगा भारत में अच्छे टीचरों की भरमार है सबको समझ में आ जाएगा समझ में आना बहुत बड़ी खेल नहीं है याद कितना है क्या एज इट इज दिमाग में चीजें रखी हैं या नहीं रखी हैं तो रिस्पॉन्ड कर पाओगे और नहीं रखी हैं तो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे और सवाल पैदा होता है कि कैसे दिमाग में रखा जाए तो बस एक ही रास्ता है जो हजार बार बोल चुका हूं कि कुछ मत सोचो सिर्फ वही सोचो जिससे तुम्हारा जीवन बनने वाला है और कुछ मत सोचो फिजिक्स सोचो केमिस्ट्री सोचो मैथ सोचो बायो सोचो जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट ही दिन भर सोचते रहो तो चलो आओ देखते हैं बच्चों इसकी मैं तोते उड़ा दूंगा इतनी सी दूरी में देखो ऑब्जर्वेशन बहुत सटीक होना चाहिए लेकिन उसके लिए देखो जो डेटा दिया है उसमें जीरो सहमत हूं इसके लिए अगर ऐसा हो कि कोई चीज प्लस वन से कहा मूव कर रहा हो जीरो ठीक है और कोई चीज प्लस टू से भी कहा मूव कर रहा है जीरो फिर जरा देखो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो क्या है प्लस टू से प्लस वन देखो जिसका निकालना है वो क्या है प्लस टू से प्लस वन के लिए निकालना है अब इसमें तुम डिफरेंस चेक कर लो अगर डिफरेंस वन आ रहा है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है सिंपली देखो आंसर क्या हो गया टू एक्स माइनस वन वाई टू एक्स माइनस वन वाई यानी जिन दो रिएक्शन को सब्स्राइड करके बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मल्टीप्लाई कर देना नॉट से और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को मल्टीप्लाई कर देना y से रिक्वायर्ड रिएक्शन इसमें से इसको रिक्वाड रू एक्स माइनस वन वाई आंसर आ गया देखो सेम आंसर आया है अगर आपका ऑब्जर्वेशन तगड़ा है तो अब सवाल पैदा होता है बहुत सारे क्वेश्चन पैदा होते हैं रुको मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आप एक अच्छे बच्चे की तरह बातों को समझना जैसे बच्चों मन